गौशाला वालों की लापरवाही से बीमार गाय को कौवे ने नोचा। पशु प्रेमी ऋतिकापुरी के साथ हुई धक्का मुक्की। हरियाणा के अम्बाला कैंट रामबाग रोड गौशाला का एक गंभीर मामला सामने आया, जहां पर एक बीमार गाय माता को कौवे द्वारा नोचने की दर्दनाक खबर सामने आई है। जिसको हिंदू धर्म में माता की तरह पूजा जाता है, उसकी भयानक दुर्दशा इस गौशाला में देखने को मिली है। पहले भी इस गौशाला के सेक्रेटरी वर्मा के बारे में कई बार लापरवाही और वसूली की खबरें सामने आई है। हाल ही दिनांक 15 जनवरी 2023 को अम्बाला कैंट की अनाज मंडी में एक गाय को नाले से एक संस्था द्वारा निकाली गई थी, जिसको स्थानीय लोगों के सहयोग से 16 जनवरी को रामबाग रोड गौशाला अम्बाला कैंट में भेज दिया था। गौशाला वालों ने इसको कचरे की तरह फेंक कर रखा। इसका पता लगने पर स्थानीय पशु प्रेमी ऋतिकापुरी ने इस बीमार गाय की देखभाल व उपचार खुद गौशाला में जाकर करवाया है। ऋतिकापुरी बिना किसी लालच के इस गौशाला में कुछ बीमार गाय व बछड़ों की देखभाल व उपचार करवा रही हैं। पशु प्रेमी ऋतिकापुरी ने बताया कि यह गाय बिल्कुल ठीक होकर खड़ी थी, लेकिन 17 जनवरी 2023 को जब मैं गौशाला में उपचार व देखभाल करने गई तो देखा कि इस गौ माता को कौवे ने बुरी तरह से नोच रखा है। जब इसके बारे में पूछा कि गाय माता की इतनी खराब दुर्दशा कैसे हुई, तो गौशाला सेक्रेटरी वर्मा द्वारा मुझे जबरदस्ती धक्का मुक्की कर बाहर निकाल कर फोन छीन लिया था। इस दौरान मैंने हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी प्रभारी को इसकी सूचना दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि मुझे ही चौकी प्रभारी ने कॉल पर ही डांटते हुए कहा कि पहले मेडिकल करा लो, जब कोई कार्रवाई करूंगा। पशु प्रेमी ऋतिकापुरी का कहना है कि आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वास्तव में वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस गाय को कितनी बुरी तरह से कौवे द्वारा नोचा गया है, कैसे उसका खून बह रहा है। आपका काम है ये इसको देखना, और वो बाहर इसलिए गया, वो कोई अल्पत नहीं है, पढ़ना आता है ना आपको, उसकी हकीकत भी दिखा दिया करो आप, अंदर क्या है। जो अंदर आता है यहाँ पे वो सिर्फ मेडिकल का स्टाफ होगा या गौशाला का स्टाफ होगा, अगर बाहर तो आपकी दूध वाली गायों की सेवा करने थोड़ी आएगा कोई, आपकी दूध वाली गायों की सेवा करने थोड़ी आएगा कोई। नहीं दूसरी बताओ, सेवा तो बीमार की करने आएगा ना कोई, क्यों करेगा बाहर, और बहुत है ना सारी। क्यों आप वो देखो ना, वो बीमार पड़ी है, इसके लिए कहाँ है बीमार, क्यों यहाँ पे, ऐसा क्या है हमारे पास, बिल्कुल है यहाँ पे, ऐसा क्या है आपका, वो वही तो प्रॉब्लम है, क्या है ऐसा, वही तो पता लगे, पूछो ना ऐसा क्या है अंदर। नहीं आप बोलते हैं कहीं वो तो मर जाएंगी जी, फलाना हो जाएगा, इसको तो यहाँ स्टाफ बेवकूफ है सारा। आप खुद देखो अंदर जाओ, क्या तो आपको कह रही, जाओ देखो। नहीं क्या देखना, आपको कौवे ने चोंच मार दी गाय के, फिर क्या हो गया, क्या हो गया, वहाँ जो पड़ी होती है जिनकी आंखें निकली होती है, फिर आप मना कर दो आराम से, आप मना कर दो आराम से कि हम भी यहाँ नहीं संभाल सकते पीजीआई, किसको, आप जिसको भी है आप यहाँ लिख दो जी, आप कौन होती है मुझे बताने वाली, नहीं फिर आप क्यों कह रहे हो, आप बाहर जाइए ना, क्यों जब गाय हमने बाहर जाइए, आप जब सड़क से गाय आई है आप बाहर जाइए, आप कौन होते हो मुझे बाहर निकालो, मैं बोल रहा हूँ ऐसे, क्या आप हाथ लगा रहे हो, पीजीआई हाथ कैसे लगा रहे हो आप।